हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज मैं बहुत ही अच्छी सब्जी लेके आई हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज मैं लौकी और चने की दाल लेके आई हूँ, जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, मायके वाली मम्मी जी ने। तो चलिए, आपको भी मैं शेयर करती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है, और पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक टमाटर लिया है, जिसको छोटे छोटे काट लिया। फिर उसके बाद हमने जीरा, जीरा के बाद हमने राई, राई के बाद मिर्ची, इस कश्मीरी मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर हमने लिया है। और इसके बाद हमने चना लिया है। उसके बाद देखिए, अदरक, मिर्ची, प्याज और लहसुन लिया है हमने, और लौकी जो हमने छोटे छोटे काट लिए हैं इसको, और वॉश कर लिए हैं। तो ये देखिए, इतना सामान यूज करना है। तो आप भी जब बनाने से पहले सभी सामान को अच्छी तरह से सभी को व्यवस्थित कर लीजिए। और लौकी को बड़ा नहीं काटना, आपको छोटा छोटा ही काटना है। तो ये देखिए, हमने ले लिया चने की दाल, जिसको हमने वॉश कर लिया है दो बार पानी से अच्छी तरह से। उसके बाद कुकर में, ये देखिए कुकर हमने चढ़ा लिया है गैस में। उसके बाद मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, सरसों का तेल डाला है। तो चलिए, सरसों का तेल गरम हो चुका है हमारा। तो एक चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा चटकने के बाद एक चम्मच हमने इसमें राई डाला है। और राई डालने के बाद इस देखिए, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है हमने। अदरक डालने के बाद हमने इसमें लहसुन डाला है। लहसुन डालने के बाद हरी मिर्च डाल दिया है, समथिंग हमने दो डाला है। ये हल्का रेड हो जाने दीजिए। और रेड होने के बाद इसको अच्छी तरह से देखिए चला लेते हैं, कि जे के ब्लैक ना हो, आपको चलाना भी है और तेल अच्छा गर्म भी होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा रेड हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज आप चाहे बारीक काट लें, चाहे आप लंबा लंबा काट लें, प्याज दोनों में ही अच्छी लगती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको महीन प्याज काटना है तो महीन कर सकते हैं, और अगर आपको बड़ा प्याज लंबे लंबे काटना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है। तो प्याज को हल्का सा रेड होने तक अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आपको भी ऐसे ही चला लेना है अच्छी तरह से। और अगर आप लौकी की सब्जी को, लौकी दाल की सब्जी को मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसे सरसों के तेल की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। चलिए, इसके बाद हम डाल देते हैं टमाटर, क्योंकि प्याज हमारा हल्का रेड हो गया था। तो अब टमाटर को भी चला लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। ये देखिए, आप भी ऐसे हल्के हल्के चला लीजिए, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा धुआं सा होने लगा है इसमें। तो ये देखिए, हमारा गलने सा लगा है। तो ये देखिए, हमारा टमाटर भी हल्का हल्का सा गल चुका है। तब डाल देंगे इसमें हम सभी प्रकार की मसाला। तो ये देखिए, आधा चम्मच हमने इसमें टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी डाल दिया है। एक चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, आप चाहे तो डेढ़ चम्मच भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कश्मीरी मिर्च डाला, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ हल्का सा रेड कलर देती है। तो इसको जब अच्छा सा गर्म हो जाए, टमाटर गल उल जाए, जब इसको डालिए तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक प्लास्टिक के चम्मच से हमने डेढ़ चम्मच नमक डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग नमक डालिए कि आपको कितना पसंद है। तो ये दो लोग के हिसाब से मैं बना रही हूँ। अब इसको हल्के हल्के चला लेंगे। चलाने के बाद अब देखिए, इसमें हम डाल देंगे लौकी, क्योंकि लौकी को भी आपको तलना पड़ेगा थोड़ा सा। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कुकर चढ़ा दीजिए, नहीं, तो आप कुकर में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी मिलेगी, जो कढ़ाई में स्वाद आता है, वैसे हलवाई टाइप के जो ढाबे में बनते हैं, होटलों में बनते, सेम वैसे स्वाद आपको आएगा। तो ये देखिए, इसको भी अच्छे से चारों साइड से चला लेंगे, कि लौकी हमारी अच्छे से तल जाए, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लौकी हमारी मिक्स हो चुकी है। तो मैं हम डाल देते हैं चने की दाल। तो चने की दाल को मैंने दो पानी में वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। तो आप भी पानी में चने की दाल को अच्छे से वॉश कर लीजिए, कि इसका वाइटपन जितना है कि निकल जाए। अब इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो आपको 5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाना है, कि नीचे लग ना जाए। उसके बाद समथिंग मैंने 1 लोटे के करीब पानी डाल दिया, 1 लोटा मीन्स कि 2 गिलास समथिंग हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो ये देखिए, कलर कितना अच्छा आ गया। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं।
तो ये देखिए दाल हमारी कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है और प्रॉपर भी पानी भी डला है। तो आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी और चावल के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और आप देखिए बड़े बड़े काटेंगे तो आप उसको छोटे पीस करना पड़ेगा, तो आप छोटे पीस में ही कुकर में चढ़ाइए तो बहुत अच्छे से दाल मिक्स हो जाती है। तो चलिए अब इसको पलट लेते हैं एक उसमें, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम पलट लिए हैं और इसमें हरी धनिया काट के डाल देंगे, क्योंकि इतना हरी धनिया से मतलब इतना अच्छा लुक आ जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब गर्म में धनिया डालते हैं तो धनिया का फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। तो कैसी लगी लौकी दाल ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसको खाने के लिए निकाल लेते हैं और टेस्ट इनसे पूछते हैं कैसा लगा है। तो चलिए इनको खिला देते हैं, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो इसको मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ और मिर्ची के अचार के साथ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए।